यूट्यूब चैनल को फर्स्ट पर रैंक कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अगर हमारे चैनल को सर्च करेगा तो हमारा चैनल सबसे ऊपर आएगा। उसके लिए तो सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने चैनल का नाम बिल्कुल ऐसा यूनिक रखिए। पहले चेक कर लीजिए कि ये चैनल अवेलेबल है या नहीं है यूट्यूब पर। वही नाम रखिए जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो आपका चैनल आसानी से मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका चैनल सर्च में नहीं आता है तो मैं आपको ऐसे चार टिप्स दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसको गौर से देखिएगा। मैं आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के अंदर भी ये सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं मेरे चैनल के अंदर आ गया हूँ, यूट्यूब के अंदर। मेरे चैनल के अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ से योर चैनल में जाना है। योर चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, लेफ्ट साइड में जो सेटिंग है। यहाँ सेटिंग में आने के बाद मैं सेटिंग में आ गया। सेटिंग में आने के बाद आपको ये चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कैसा विंडो आएगा, यहाँ पर आपको बेसिक इन्फो में क्लिक करना है। यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है आपकी। फिर यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालना है, जैसे कि हम कोई वीडियो के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं। वीडियो डालने के बाद जैसे कीवर्ड्स मतलब ये नाम से भी अगर कोई सर्च करेगा तो हमारा चैनल सर्च में आ जाएगा ऊपर। जैसे मैंने एक डाल दिया, ऐसे आप जो है तो ऐसे 500 वर्ड्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने किंग गेमिंग के अंदर बीच में गैप लेके स्पेस दे के भी वो किया हुआ है। या फिर आपका चैनल कोई गेम से रिलेटेड है तो आप उसके अंदर गेम के भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, यानी कि किंग गेमिंग पबजी, किंग गेमिंग फ्री फायर, ऐसी करके आप कीवर्ड से आपका चैनल सर्च कर सकते हैं। मतलब कोई भी सर्च करेगा तो आपका चैनल सर्च में ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है तो ये अपलोड्स डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जब कोई भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका मतलब क्या नाम आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपने जो तो आपके चैनल का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर चैनल का नाम डालने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके चैनल का नाम आ जाएगा। फिर ये नीचे आपको ऐसे टैग्स भी डालना है, ये भी मतलब हमेशा आपके वीडियो के अंदर आ जाएगा टैग्स में। फिर इसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अभी एक लास्ट सेटिंग है, ये सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको लेफ़्ट साइड में जो वीडियो है कंटेंट, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद डिटेल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइटल, जैसे मेरा टाइटल है, टाइटल के अंदर आपको आपके चैनल का यहाँ पर नाम डाल देना है। तो इससे भी जो है तो आपका मतलब चैनल सर्च में ज़्यादा आता है। जब जब आप कोई भी आपके चैनल का नाम सर्च करता है तो आपका चैनल ऊपर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।